का बुलाया ये नंबर ये नंबर ये नंबर काफला धमका देता तुम्हें नंबर हम साथ में धमका के कर साथ देता ले आया ले ले दवा आया ले आया ले आगे क्लिक गाड़ी इतना दे दिया वीडियो 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 का कितना विचार कर तुम्हारी बात का तुम्हें क्या करते हैं बोलो चलना बोला जी क्या कर रहे ए रेडन गाडी सीज करा तुम्ही पहिला गाडीत आंब्यात घ्या त्याला एकच इतकं तो तुम्ही अरे तुम्ही आता कसले फोन की वाटतात एवढी दादा किती आहे तुमची माझ्या घरी जाऊन तुम्ही त्याला धमका द्यायला लावतात अरे सोसायटी का लोकांना तुमचे लोक बघतात काय हा काय करतात खोबड बघतात चले यांचे पण पेरोल वर असतात पटकायचा बात करून हात कशाला लावते आता येतोय ना तुम्ही आला 350 मोर मध्ये घेतो तुम्ही जरा अरेस्ट करता का नाही तुम्हाला घेराव करू येऊन आहे ना तुम्ही इथे आता तुम्ही इथून हलवा गाडी येते गाडी मी सांगतो ना तुम्ही कारवाई करायला आलात ना मी आलो
तिला कोणी हात लावणार कंप्लेन नाही बसणार तिला कोणी हात लावणार मी सांगतो अहो सर तुम्ही सर लाल कार्पेट घाला हार आम्ही आणतो जबरदस्ती खोटं बोलतं ढकला है वो हमने शूट दिखाएंगे पुलिस स्टेशन को। और एक इश्यू इधर हुआ है कि जी टीवी वाले ने विदाउट परमिशन शो रख रहे वो हमने पुलिस को कंप्लेंट किया और पुलिस को हमने बुलाया इधर। लेकिन आपने ऐसा जो कहा जा रहा है कि हमने महिला के ऊपर हाथ उठाया क्या सही है? वीडियो शूट है, देखिए ना, इलेक्शन कमीशन वाले सब देखिए ना कौन किया है क्या है, सब सामने आएगा और जो दोषी है उनको कार्रवाई होना चाहिए। चलिए आरआर पाटिल के पुलिसों को खरीद के खरीद करके ये यहाँ पर दंगा मस्ता करने के लिए आए हैं। उस दिन उनकी परसों के दिन रैली हुई, समझे ना, परसों के दिन रैली हुई, उनको किसने रोका नहीं था। चले हम आज विदाउट परमिशन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर दंगा पता कर रहे हैं उन लोग। गुरु साहब ये बताइए क्या हुआ, एक बार बता दीजिए क्या हुआ क्या। अरे यार चलो हाँ नहीं तो फूटे हैं। हाँ यार मतलब हुआ क्या अभी जी हुआ क्या ना, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, ये लोग खड़े थे। नहीं वो ऐसा नहीं था, चार लोगों के ऊपर यहाँ जमा नहीं होने चाहिए लोग, ये कायदा है इलेक्शन कमीशन का, उम्मीदवार की यहाँ ऑफिस है। मुंबई पुलिस मैं जब यहाँ पर भी आया तो मैंने देखा लगभग चार दर्जन एनसीपी के गुंडे मेरे घर के पास में खड़े हैं, पुलिस उनका संरक्षण कर रही है, पुलिस उनको प्रोटेक्शन सिद्ध नहीं कर रही है, मुझे मेरे स्टाफ को धमकी दे रही है। जब पुलिस को मैंने बोला कि इतने लोग मेरे घर पे कैसे इकट्ठे हुए, तो मेरे रेसिडेंट के सोसाइटी के लोगों को पुलिस धमका रही है, वो एनसीपी के गुंडे धमका रहे हैं। और जब मेरा स्टाफ मेरे लेडीज कलीग बाहर आई तो लेडीज कलीग के ऊपर ये एनसीपी के गुंडों ने पुलिस ऑफिसर के हाजिरी में अटैक किया और जब मेरे से नहीं रहा गया और मैंने पुलिस को कहा कि आप क्यों देख रहे हो, आप क्या एनसीपी के पेरोल पे हो, तब जाते रेसिडेंट नीलम नगर के नीचे रास्ते पे उतरे, तब जाके अभी पुलिस एक्टिव हुई। ये पुलिस एनसीपी के पेरोल पे है, ताबड़तोब इन पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए, उनके पर आईपीसी में एक्शन होनी चाहिए। और एनसीपी के गुंडों ने महिलाओं के ऊपर महिलाओं की छेड़छाड़ की, मेरे घर पे आके मेरे घर की ऑफिस पे, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए। आई वॉन्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। मैं अभी इस बात की सभी को पुलिस कमिश्नर से लेके मैंने इलेक्शन कमीशन को अभी एसएमएस किया है कि इस स्थिति में यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मुझे डर लग रहा है। वी वांट स्पेशल ऑब्जर्वर फ्रॉम दिल्ली,
एक पुलिस ऑब्जर्वर चाहिए, क्योंकि गत बार भी यहाँ पर एनसीपी के लोगों ने इसी प्रकार की गुंडागिर्दी की थी, पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे। और इसके लिए मुझे चाहिए स्पेशल ऑफिसर। मैंने चुनाव आयोग को और पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट किया। भैया प्राप्ति है, वो मेरी मीडिया इंचार्ज है, मेरी सीनियर कलीग है, उसके ऊपर एनसीपी के गुंडों ने उसकी छेड़छाड़ की और हाथ